अघोषित बिजुली काट सह साधारण जनता मुंड में बढ़ी बिजुली बोझ विद्युत परिचालन शक्ति विभाग फेल मारिथिबा बेले राज्यर विभिन्न स्थान आसुची पुला पुला अभियोग बिना मीटर उपभोक्ता पाखक बिजुली बिल आसुवा बेले विद्युत संजोग न हो चाषी ना आसी लक्षाधिक टंकार बिल याकु नहीं आंदोलन पर अंटा भिड़ी राज्य बीजेपी आज राज्य सब् विद्युत बंटनकारी संस्थार कार्यालय आगे विक्षोभ और प्रतिवाद कर दल यहस भित्तिमि सजाड़ापी के अंचल केते काम हो तार श्वेतपत्र दाबी देवाकू दाबी होभोक्ता रिहाती नदे ओएचपीसी भाई संस्था को 5225 कोटी जलकर छाड़ नहीं सरकार पाखु जवाब मागिच भारतीय जनता पार्टी प्रदीप्त महापात्र प्रतिनिधि सीधास्थल नहीं चलु अधिक सूचना अच्छा प्रदीप्त बिजुली बोझ को नहीं बीजेपी आज रास्ता कोला कार्यालय घेराव कर बर्तमान क्योंठी अच्छा सेठाकर चित्र कौन निश्चित भाव अपूर्व आपन जो कथा कहले लगातार भाव गत वर्ष ठार वर्तमान जाए बिजुली दर को राज्य में बारंबार वृद्धि कराद्वारा राज्यवासी साधारण उपभोक्ता असुविधार सम्मुखीन होती समस्यार सम्मुखीन होती यही महामारी समय जो लॉकडाउन शटडाउन जारी रही लोक आर्थिक अवस्था ठीक जो ठीक ना यही समय सरकार नीति को बीजेपी विरोध कर सीधा सड़क दृश्य बर्तमान देखिपे किपर भाव भुवनेश्वर जिला बीजेपी पक्षर भुवनेश्वर मास्टर कैंटीन निकटे प्रतिवाद करा जो कोविड नियम अनुसार से प्रतिवाद कर दाबी रही दीर्घ दिन धरिकी जो असुविधार सम्मुखीन होती लोक मैंने कारण जो महामारी समय रे आर्थिक स्थिति लोकंर ठीक ना यही समय रे बारंबार बिजुली दर वृद्धि करा सहित विशेष भाव जो जो आम एटीएनसी लॉस रही था बिजुली परिवहन एवं वितरण जो लॉस रही था ताकू सरकार कमे पार ना केन्द्र जो आम सर्वभारतीय स्तर में कम रही बेले से जो लॉस कम रही बेले आम राज्य जथेष अधिक रही तेब यह विषय में आलोचना भुवनेश्वर जिला बीजेपी सभापति बाबू सिंह रही सहित आलोचना करवा किंतु तापूर्व देखापी चाहिए जो दाबी रही बीजेपी अघोषित बिजुली काट बंद करने दाबी कर कारण राज्यर विभिन्न अंचल अघोषित विद्युत काट हो बारंबार विद्युत काट हो सहित ठीक बिल आदाय करा जाउछि किंतु लो वोल्टेज अनेक स्थान देखा मिली गाँ गहली रे लोक माने एबे भी लो वोल्टेज रो असुविधा रे पड़ुछंती एवं विशेष भाव में साधारण लोक जितेबाले जदि कोनोसी गोटे मास से माने अक्षम होउछंती कोनोसी प्रकार विद्युत बिल देबा पई तबे तांको जो लाइन को सांगे सांग काटि दिया जाउछि किंतु अनेक जो कंपनी रही अनेक शिल्प संस्था रही अनेक सरकारी अनुष्ठान रही वर्ष वर्ष धरिकी शह शह कोटी टंका पाखापाखी जहाँ हिसाब रही 4000 कोटी ऊर्ध बाकी पड़ी सेगुड़ी आदाय हो पारिने किंतु साधारण लोकर सांगे सांगे विद्युत काट करा एवं ता सहित विशेष भाव में अनेक संस्था मान जलकर छाड़ कर साधारण लोक विभिन्न असुविधा जो पड़ते हैं आस सीधा प्रतिक्रिया ना बाबू सिंह जगन्नाथ राज्यव्यापी तो चलती मुख्यतः क्यों क्यों प्रसंग सरकार विद्युत दर जो वृद्धि ओडिशा सरकार विधानसभा गृह पवित्र गृह मंत्री निजे पवित्र गृह विभाग मंत्री प्रतिश्रुति देले जो दर वृद्धि होती 30 पैसा द्वितीय थर जो सेटा को प्रतिहत करिया पाएं कि ताको बंद करिया पाएं कि ओआरसी निकटरे गोटे रिव्यू पिटीशन दबा पाएं कही दिले सेटा कले नाई ओआरसी पुणी 30 पैसा ये कला आपण मैंने गोटे तथ्य मुझे रखापी चाहिए आप जानवे ओडिशावासी को आपड़ जोड़े जनवाई कि मुझे चाहती देखूँ बर्तमान ओडिशा रे बिजुली विभाग सरप्लस अच्छी 6000 मिलियन यूनिट मु तथ्य आकार आज ऑन डेट 36000 मिलियन यूनिट प्रोडक्शन हो 28000 मिलियन यूनिट खर्च हो बड़का राज्य हिसाब से ओडिशा रे 6000 मिलियन यूनिट बड़का रोची से कु बिक्री करुची राज्य सरकार अन्य राज्य को 213 टंका 13 पैसा बिक्री करुची पर यूनिट फरेज आम ठार् नौ 5 टंका पखापाखी आवरेज जदि धरवा तेणु
ଏ କଥାକୁ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନୁଭବ କଲେଣି। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପୁରାପୁରି ତଳ ସ୍ତରକୁ ନେବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜନସାଧାରଣ ସହିତ ଲଢ଼ିବ। ବିଜୁଳି ବୋଝକୁ ନେଇ ବିଜେପି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଲାଉଛି, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉନି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାସ ଦେଇ ନପାରିଲା ତାକୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି ତା ଲାଇନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସରକାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସରକାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ଏ ସରକାରରେ ଏତେ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି, ପାଖାପାଖି 3000 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବକେୟା ଅଛି, ତାକୁ ଆଦାୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି? ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ ହେଲା, ଚଞ୍ଚକତା କରିକିରି 50 ପଇସାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆ ଭିତରେ ବଢ଼େଇବା, ଏ 6 ମାସ ଭିତରେ ବଢ଼େଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନମ୍ବର 3 ହେଲା, ଯଦି ତୁମେ ଶୁଳ୍କ ବଢ଼େଇକିରି ଭରଣା କରିବ ରାଜକୋଷକୁ ଭାବୁଛ, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କାହିଁ ଛାଡ଼ କରୁନ, ତାକୁ କାହିଁ ଆଦାୟ କରୁନ, ତାକୁ କାହିଁ ଛାଡ଼ କରିଦେଉଛ? ତେଣୁ ଏଥିରେ ଇଏ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢ଼ୁଛି, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବ। ଇଏ ସରକାରର ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡା ଯେ ସେବା କମ୍, ଟିକସ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଆକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ଆକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଫେରେଇ ନାହାନ୍ତି, ଫେରି ନେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ।